बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाबे इलम में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। सामाइन, अल्लाह पर तवक्कल ईमान की निशानी है और जितना ईमान मजबूत होगा तवक्कल उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। फिर बंदा रब के साथ जो गुमान करेगा उसका रब उस गुमान को हकीकत में बदलता जाएगा। तवक्कल क्या है? तवक्कल के मानी है सपुर्द कर देना, मुकम्मल भरोसा कर लेना। तवक्कल के ये मायने हैं कि खंजर तेज़ रख अपना। तवक्कल के ये मायने हैं कि खंजर तेज़ रख अपना, फिर अंजाम इसकी तेज़ी का मुकद्दर के हवाले कर। अब मैं तवक्कल आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाती हूँ। एक साल का बच्चा जब उसे कोई गैर इंसान, कोई अजनबी इंसान पकड़ने की कोशिश करे, गोद में लेने की कोशिश करे, तो वह बच्चा एहतजाज करता है, रोता है, दूसरे शख्स के पास नहीं जाता। लेकिन अगर उसी टाइम उसका बाप उस बच्चे को पकड़ना चाहे तो वह फौरन चला जाता है। अब बाप उसको उठाकर अगर आसमान की तरफ उछालता है तो बच्चा खुश होता है, खुशी से कहकहे लगाता है, किलकारियाँ मारता है। क्यों? इसलिए कि उसको भरोसा है अपने बाप पर। यह तवक्कल है जो वो छोटा बच्चा अपने बाप के साथ करता है। आकाश हमें भी अपने रब पर इतना ही भरोसा, इतना ही एतमाद हो जाए। बच्चे को अपने बाप पर भरोसा है कि उसका बाप उसे कभी भी ज़मीन पर गिरने नहीं देगा। आकाश हमें भी अपने मालिक पर, अपने राजक पर, अपने पैदा करने वाले पर इतना भरोसा हो जाए जितना इस बच्चे को है। सामाइन, एक मर्तबा एक नेक और परहेजगार बंदे पर आजमाइश के दिन आ गए। मजदूर और दिहाड़ीदार बंदा था, बीमार हो गया। नकाहत और कमज़ोरी की वजह से कोई मजदूरी नहीं मिल रही थी, यहाँ तक के फाके घर में शुरू हो गए। बीवी नाशुक्री और बदजुबान थी, फौरन तानों पर उतर आई कि तुम्हारे घर में मुझे कभी सुकून मैसर ही नहीं हुआ, तुम्हारे घर में मैंने कभी अच्छे दिन देखे ही नहीं, अब मेरा यहाँ गुजारा मुमकिन नहीं है। एक दिन तो तंग आकर बीवी शोहर से बोली, घर से बाहर निकलो, मजदूरी करो और पैसे लेकर आओ। वो शख्स मजदूरी ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन कोई भी उसे मजदूरी देने को तैयार ना हुआ उसकी कमज़ोरी और नकाहत की वजह से। उस शख्स ने जायनमाज बिछाया और रब की इबादत शुरू कर दी। नवाफल पढ़े और रब से रो रो कर दुआएं मांगने लगा। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरा बंदा हूँ, जिस हाल में तूने रखा मैं शुक्र अदा करता हूँ। ऐ मेरे मालक, मेरे इख्तियार में जो कुछ था वो मैंने कर लिया, अब तू ही मालक है, तू ही राजक है, अब तू ही मुझे नवाज दे। वो शख्स रब की इबादत करने और उसी के आगे गिड़गड़ाने में मसरूफ़ रहा, यहाँ तक के रात हो गई और वो अपने घर वापस आ गया। बीवी ने आते ही पूछा, मजदूरी मिली, कितने पैसे लेकर आए हो? तो उस शख्स ने जवाब दिया, जिसकी मजदूरी की है उसने कल पैसे देने हैं। बीवी चुप हो गई। फिर अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। वो शख्स मजदूरी ढूँढने गया, पूरी कोशिश की, पूरी मेहनत की, लेकिन काम ना मिल सका। मायूस होकर फिर जाए नमाज बिछाया, रब के आगे गिड़गड़ाने लगा, दुआएं मांगने लगा। रब की इबादत उसके जिक्र व सना में मसरूफ़ रहा, यहाँ तक कि फिर रात हो गई, फिर घर वापस आ गया। आज फिर बीवी ने पूछा, कितने पैसे लेकर आए हो? जवाब दिया, जिसकी मजदूरी की है उसने कल पैसे देने हैं। बीवी बहुत गु़स्से में थी, बोली, कल तीसरा दिन है और कल आते हुए तीन दिन की मजदूरी, तीन दिन की उजरत और खाने पीने का सामान लेकर आना, वरना घर ना आना, क्योंकि मुझे और मेरे बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे बगैर ही गुजारा कर सकते हैं। वो शख्स तीसरे दिन फिर काम ढूंढने निकल गया, लेकिन तीसरे दिन भी कोई काम ना मिला। फिर जाए नमाज बिछा कर बैठ गया, अल्लाह की इबादत कर रहा है, उसी के आगे रो रहा है, बिलक रहा है, कोई सहारा नहीं है। ऐ रब, अब तू ही आसरा है, तू ही मेरा सहारा है, मेरी मुश्किलात को हल कर दे,
मेरी मुश्किलात को आसान कर दे। रोते रोते रात हो गई। जब घर आया तो घर के अंदर दाखिल होने की हिम्मत नहीं थी, घर के बाहर दरवाजे में बैठ गया। कुछ देर के बाद बीवी ने आकर दरवाज़ा खोला और इंतहाई खुश और मुस्कुराते चेहरे के साथ अपने खावंद को देखा। ये क्या माजरा है, ये कैसे काया पलट गई, बीवी की खुशी की इंतहा की वजह क्या है? ये जानने से पहले मेरी वीडियो लाइक कर दें। बाबे इलम पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं। सामाइन, बाबे इलम सिर्फ एक चैनल नहीं है, बाबे इलम एक फैमिली है। बाबे इलम को सिर्फ मैं प्रमोट नहीं कर सकती, बाबे इलम के साथ मेरे रब का फजलो करम और आप सबका तावन और सपोर्ट है, तो इंशाल्लाह ये कामयाब नहीं होगा बल्कि आसमान की बुलंदियों को छुएगा इंशाल्लाह। आप सब अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रमोट करें। सामाइन, जैसे ही उस शख्स ने अपनी बीवी को बेइंतहा खुश देखा तो पूछा, क्या बात है? बीवी मुस्कुराते हुए बोली, आज शाम को एक बुज़ुर्ग आए थे, उन्होंने मुझे पैसों से भरी हुई एक थैली पकड़ाई और कहा कि तुम्हारा शौहर अल्लाह की इबादत में महव हो गया है, अगर वो देर से घर आए तो उसे तंग ना करना, कोई इज़ा ना देना। मैं बाज़ार गई, मैंने उन पैसों से सौदा सामान खरीदा, बच्चों के नए कपड़े खरीदे, बहुत अच्छा खाना पकाया और तुम्हारे बच्चों को तैयार कर लिया। अब हम सब तुम्हारे इंतज़ार में बैठे थे कि कब तुम आओ और हम सब मिलकर खाना खाएं, लेकिन तुम परेशान क्यों हो, क्या बात है? वो शख्स बोला, ये 3 दिन मैंने कहीं भी मजदूरी नहीं की बल्कि मैं तो अपने रब की इबादत करता रहा और मेरे रब ने ही मेरी लाज रखी है, मुझे नवाजा है। उस शख्स ने तमाम उम्र मेहनत करके अपने रब पर मुकम्मल यकीन और भरोसा रखा था, हमेशा अपने रब की रज़ा में साबर रहा था और आज उसके रब ने उसकी मुश्किल और आजमाइश के टाइम में उसकी मदद कर दी। वो शख्स हमेशा अपने रब के आगे झुका था, अपने रब से ही उम्मीद लगाई थी क्योंकि उसे यकीन था कि सिर्फ वही उम्मीदें पूरी करने वाला है, वही भरोसे के लायक है। तो फिर वो परवरदिगार अपने इतने साबर और शाकर बंदे को कैसे ना उम्मीद लौटा देता। समय, कुरान मजीद फुरकान हमीद में बार बार अल्लाह पर तवक्कल करने का हुक्म दिया गया है। अपने ईमान को मजबूत कर लें, सख्त मेहनत करें और अपने रब पर भरोसा करें, फिर वो रब नवाज देगा, फिर वो रब जो मांगते हो, जो गुमान करते हो, उसको हकीकत में बदलेगा, लौटाएगा जो आपके लिए बेहतर नहीं बेहतरीन है। समाइन, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार कर दें। अगर बाबे इलम पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासर हो। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।